everyone and welcome back to my channel. So today I want to show you how to make chicken tikka. So let's start. हमें क्या क्या चाहिए. So मैंने यहाँ पे chicken ली है, यहाँ पे मैंने mix chicken ली है, कुछ legs pieces हैं, कुछ breast pieces हैं, कुछ you know full chicken है. आप देखें मैंने ये total अगर pieces count करेंगे आप लोग तो ये होंगे 15 pieces, right? Okay, यहाँ पे मैंने oil लिया है. एनी काइंड ऑफ ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं. और यहाँ पे मैंने बिहारी कबाब बारबेक्यू मैंने मसाला लिया है शान का. और यहाँ पे मैंने चिकन टिक्का मसाला लिया है. यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून लेमन का जूस लिया है. यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है. सो लेट्स स्टार्ट. हमें सबसे पहले क्या करना है. तो आई डोंट हैव अ बिग बॉल सो मैंने इसे पॉट में डाल दिया है. इट्स ओके, आप पॉट में भी डाल सकते हैं. उसके बाद सबसे पहले मुझे क्या करना है कि जो इसमें है वो 4 टेबल स्पून जो है वो ऑयल डालना है. बाद अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दूँगी. मैं इसे अच्छी तरह मिक्स गार्लिक का पेस्ट अच्छी तरह चिकन में लग चुका है. अब मैं इसमें लेमन जूस डालूँगी और साथ ही अपने दोनों शान के मसाले जो हैं वो हाफ हाफ पैकेट डाल दूँगी. ओके, मैंने दोनों पैकेट हाफ हाफ डाल दिए हैं. अब मैं इसे हाथ की मदद से बहुत अच्छी तरह मिक्स करूँगी. मैरिनेट हो चुकी है. अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी ओवरनाइट के लिए. ओके, सेकंड डे मैंने ओवन को सबसे पहले प्रीहीटेड 350 पे कर लिया. उसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ की डिस्पोजिबल ट्रे ली और उस पर मैंने बॉटम पे ऑयल स्प्रे कर लिया. उसके बाद मैंने इसमें सारी चिकन डाल दी और अब मैं इसको 10 टू 15 मिनट के लिए बैक करूँगी पहले, ताकि जो चिकन का एक साइड है वो थोड़ी सी कुक हो जाए. उसके बाद मैं इसकी साइड चेंज करूँगी. आफ्टर 25 मिनट मुझे लगे, 10 मिनट नहीं लगे, 25 मिनट बाद मैं सारे चिकन की जो साइड है वो इस तरह चेंज कर दूँगी. मैंने सारे जो चिकन की साइड है वो चेंज कर ली. अब मैं इसे अगेन बेक करूँगी 25 टू 30 मिनट्स, ताकि जो इसका पानी है वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए और चिकन अच्छी तरह क्रिस्पी और ऊपर से थोड़ी गोल्डन हो जाए. सो लेट बेक फॉर 25 मिनट मोर. सो हियर इज़ अ फाइनल लुक. आफ्टर 25 मिनट के बाद मेरा चिकन टिक्का जो है बिल्कुल कम्प्लीटली रेडी हो चुका है. और एंड में मैंने इसे गार्निश के लिए थोड़े से लेमन के स्लाइस इसके ऊपर रख दिए हैं. सो ईद बिल्कुल करीब है और आप इस रेसिपी को ज़रूर ईद पे ट्राई कीजिएगा एंड लेट मी नो कि आप लोगों की कैसी बनी. एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल्स गाइज एंड क्लिक द बेल आइकॉन बटन. और मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को एडवांस इस बहुत बहुत मुबारक हो. और प्लीज़ मुझे आप अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़ एवरीवन.